क्या बांग्लादेश भारत को धोखा देने वाला है? बांग्लादेश और चीन के बीच ऐसी कौन सी प्लानिंग चल रही है जो भारत को झटका दे सकती है? भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों को चीन घेरने की कोशिश कर रहा है, कांपे टांग रही है। तो ये कुछ हो रहा है जी, भारतीय मीडिया की कांपे टांग रही है। व्हाट्सअप गाइज, असलाम वालेकुम, अपनारा कैमन आसें, आशा करी सबाई भलो आसें। हमें जुनेद अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल, हमें अपन जुनू आगती वीडियो प्ले करती जर्ची सबाई देखबिन, आशा करी सबाई देखबिन, भलो लगभ। आज बात करने वाले हैं कि चाइना और बांग्लादेश की दोस्ती का किसको नहीं पता। चाइना के साथ जिसकी दोस्ती होती है भारत को वो सख्त नापसंद होता है। पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, और अब बांग्लादेश। अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि बांग्लादेश हमें धोखा देने वाला है। क्यों धोखा देने वाला है? क्योंकि बांग्लादेश दफाई मुआहदे करने वाला है चाइना के साथ। चाइना क्यों मिसाइल दे रहा है बांग्लादेश को? ये बहुत तकलीफ हो रही है। एक सुपर पावर जो बना हुआ है, एक एटमी ताकत मुल्क भारत, अब बांग्लादेश से घबराया हुआ है कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल ना जाए, बांग्लादेश अपने दिफा को मजबूत बना ना ले, बांग्लादेश हमें आंखें दिखाए ना, और ये चाहते हैं कि बांग्लादेश इसी तरह गुलामी करता रहे। इन लोगों को एहसान के तौर पर यह बात याद करवाई थी कि हम लोगों ने आपको आजाद करवाया है, हम लोगों ने आपको आजादी दिलवाई है, अब आप हमारे गुलाम हो, हमारी बात सुननी है, आपने किसी की नहीं सुननी, हमारे पीछे लग के चलना है, यही चाहता है भारत। अब बांग्लादेश क्या करने जा रहा है? बांग्लादेश करने जा रहा है अपने दिफा को मजबूत, ताकि भारत, म्यांमार, ये इसको आंखें ना दिखाएं। और दो ही कंट्री हैं जिसके साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, या तो वो भारत है या म्यांमार है। लेकिन अब भारत को ज्यादा तकलीफ इस वजह से हो रही है कि बांग्लादेश चाइना के साथ मुआहदे क्यों कर रहा है दिफा के हवाले से, और क्यों मिसाइल खरीद रहा है? ये बहुत तकलीफ हो रही है। और भारतीय मीडिया इतना चीख चीख कर कह रहा है कि बांग्लादेश हमें धोखा दे दिया, बांग्लादेश ने हमें मरवा दिया, चाइना के साथ दोस्ती कर ली। अबे क्यों घबराते हो? एटमी कुव्वत हो, क्यों घबराते हो बांग्लादेश से? और चाइना से तो आपकी टांगे कांपती हैं। नहीं, वो जो बिलावल ने कहा था, कांपे टांग रही हैं। और ये है कि अब कांपे टांग रही हैं हिंदुस्तान की। तो चलें वीडियो में देखते हैं कि बांग्लादेश ने क्या मुआहदा किया जिससे भारत की कांपे टांग रही हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। আসসালামু আলাইকুম, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইউটিউবের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুল ইসলাম। বাংলাদেশের নতুন মিসাইল FM-19কে দেখে ভারত ভয়ে আছে, হয়তো অনেকেই বলবেন আমি একটু বেশি বলছি, ভিডিওর ভিউয়ের জন্য এসব অতিরঞ্জিত কথা বলছি। না, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমার এই দাবির সত্যতা জানার জন্য ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। চীনের তৈরি FM-19 মিসাইল সিস্টেম এবার বাংলাদেশেই উৎপাদন হতে যাচ্ছে। 20-25 কিলোমিটার এলাকার মাঝে যে কোনো টার্গেটকে 100% পিন পয়েন্টে আঘাত করতে সক্ষম এই FM-19 মিসাইল সিস্টেম। এই মিসাইল সিস্টেম বাংলাদেশে উৎপাদিত হবে, এটা যেন ভারতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। ভারতীয় মিডিয়া দাবি করছে বাংলাদেশ ভারতকে টার্গেট করেই এই মিসাইল সিস্টেম তৈরি করছে। বাংলাদেশ কি ভারতকে টার্গেট করেই এই হাতিয়ার তৈরি করছে? এ নিয়ে আলোচনা করার আগে আসুন দেখে আসি বাংলাদেশের তৈরি নতুন মিসাইল নিয়ে কী বলছে ভারতীয় মিডিয়া। তবে তার আগে প্রিয় জনভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আপনিও, আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। क्या बांग्लादेश भारत को धोखा देने वाला है? बांग्लादेश और चीन के बीच ऐसी कौन सी प्लानिंग चल रही है जो भारत को झटका दे सकती है? भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों को चीन घेरने की कोशिश कर रहा है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और भारत के जो ये पड़ोसी हैं, इस चीज का फायदा भी उठा रहे हैं। वो सोच रहे हैं दोनों ही देशों की तरफ से किसी न किसी तरह की मदद मिलती रहे और फ्री में हम लोग ऐश करते रहे। अब इसका ताजा उदाहरण देखिए कि बांग्लादेश को भी $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है भारत ने। इसे तो एंजॉय कर ही रहा है वो, लेकिन चीन के साथ भी अपने पार्टनरशिप को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है बांग्लादेश। वैसे ये काफी लंबे समय से चल रहा था। लगभग 10 साल पहले चीन ने बांग्लादेश को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दिया था, और इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का नाम था FM-90 मिसाइल सिस्टम। चीन की कंपनी है वैनगार्ड, ये कंपनी अब बनाती है FM-90
G90 एयर डिफेंस मिसाइल। बांग्लादेश को चाहिए था चीन से एक बड़ा फायदा, और इसके लिए चीन चूंकि फायदा उठाना चाह रहा है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश भी फायदा उठाने के लिए रास्ते को निकाल रहा है। FM-90 सिस्टम है, वैसे तो ये एक ट्रक माउंटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको चीन ने 1998 में बनाया था और 2011 में बांग्लादेश को बेचा था। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बांग्लादेश को दिया जबकि बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और सिर्फ एक ही इलाका है बे ऑफ बंगाल का जहां ये पानी में है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो किसके लिए दिया गया? साफ तौर पर ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कई टारगेट्स के लिए दिया गया। प्रिय दर्शक, बांग्लादेश FM-19 मिसाइल सिस्टम 2011 साल থেকে ব্যবহার করছে, কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশ সিদ্ধান্ত নেয় নতুন মিসাইল ঘাঁটি তৈরি করবে যেখানে এই FM-19 মিসাইল সিস্টেম তৈরি করা হবে। এরপর থেকেই ভারতীয় মিডিয়ার ঘুম হারাম হয়ে যায়। ভিডিওতে ভারতীয় মিডিয়া বলছে এই মিসাইল সিস্টেম বাংলাদেশ ভারতকে টার্গেট করেই ক্রয় করছে। এই ভারতীয় সাংবাদিক মনে হয় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান জানে না। বাংলাদেশের একটি বিশাল সীমানা আছে মিয়ানমারের সাথে। ভারত কিংবা মিয়ানমার নয়, বাংলাদেশ এই মিসাইল সিস্টেম উৎপাদন করছে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য। বাংলাদেশকে যে দেশেই টার্গেট করার চেষ্টা করবে সে দেশের বিরুদ্ধেই এই মিসাইল সিস্টেম ব্যবহার করা হবে। এই FM-19 মিসাইল সিস্টেম 100% একুরেসির সাথে টার্গেটকে হিট করতে পারে। শুধু তাই নয়, একই সময়ে একাধিক টার্গেটকে হিট করতে পারে এই মিসাইল সিস্টেম। এর 30 কিলোমিটারের রাডারের মাঝে যে কোনো বস্তুকে ধ্বংস করতে সক্ষম এটি। বলতে পারেন এটি রাশিয়ার S-300 ছোট ভাই। দুশ্মনের আগ্রাসন ঠেকাতে এই মিসাইল সিস্টেমের কোনো বিকল্প নেই। আমরা দেখেছি অতীতে মিয়ানমার কয়েকবার বাংলাদেশের আকাশ সীমানা লঙ্ঘন করেছে। এই মিসাইল সিস্টেম সীমান্তে থাকলে আবারও বাংলাদেশের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করার কলিজা হবে না মিয়ানমারের। ভারতীয় মিডিয়া বলছে বাংলাদেশ নাকি ভারতের থেকে $500 মিলিয়ন নিয়ে আয়েশ করছে। तो जी ये थी वीडियो। और भारत की कांपें टांग रही हैं, जब भी चाइना बांग्लादेश की दोस्ती की बात होती है भारत की कांपें टांग जाती हैं। तो ये कुछ हो रहा है जी, भारतीय मीडिया की कांपें टांग रही हैं। और ये फनी होता है कांपें टांग रही है, वैसे ठीक जो है ना वो टांगे कांप रही हैं, मतलब के टांगे कांप रही हैं। और बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि कांपें टांग रही हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा उल्ट करके फनी सा हो जाता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको कहीं समझ ना आए इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। भारतीय मीडिया अभी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि आज से 10 साल पहले भी बांग्लादेश ने मिसाइल खरीदा था चाइना से, और ये तीन तरफ से तो भारत के साथ गिरा हुआ है, तो किस पे हमला करेगा ये बांग्लादेश? भारत पे हमला करेगा। एक एटमी कुवत होने के बावजूद भारत की कांपें टांग रही हैं। अब इसको कांपना नहीं चाहिए और इसको अब संभल के रहना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर जो जोर ज़बरदस्ती भारतीय मीडिया या भारतीय हुकूमत की चलती थी, शायद अब वो ना चले, इसलिए भारतीय मीडिया की कांपें टांग रही हैं। और चाइना जो बांग्लादेश के दिफा के हवाले से मिसाइल दे रहा है, वो बांग्लादेश के दिफा को मजबूत बनाने के लिए है कि बांग्लादेश को कोई आंखें ना दिखा सके। बांग्लादेश ने किसी पे हमला करने के लिए आज तक पहल नहीं की और ना करेगा, क्योंकि बांग्लादेश एक समझदार कंट्री है। इसको पता है कि सबके साथ दोस्ती रखनी है, अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना है, अपने लोगों के रोजगार के हवाले से सोचना है, अपने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, ना कि उनकी ज़िंदगी को ख़राब करना है। और जंगों से कुछ हासिल नहीं होता बांग्लादेश से बेहतर, ये कोई समझ नहीं सकता। और बांग्लादेश एक जिम्मेदार मुल्क है और समझदार मुल्क है। बांग्लादेश कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे किसी के साथ कोई झगड़ा हो, किसी के साथ कोई तनाज़ा हो या किसी के साथ कोई जंग हो। तो अब ये भारतीय मीडिया को किस चीज़ की परेशानी है? चाइना की परेशानी है कि ये मिसाइल सिस्टम चाइना क्यों दे रहा है बांग्लादेश को? जब ये सिस्टम बांग्लादेश को मिल जाएगा तो बांग्लादेश ही इसके ऊपर हुक्मरानी करेगा, बांग्लादेश ही इसको कंट्रोल करेगा, ना कि चाइना करेगा। तो अब भारतीय मीडिया की क्यों कांपें टांग रही है, ये तो अब भारतीय मीडिया ही बता सकता है कि क्यों परेशानी है। और बांग्लादेश फायदा उठाना चाहता है, क्या फायदा हिंदुस्तान से उठाना चाहता है बांग्लादेश? बांग्लादेश तो अपने दिफा को मजबूत बना रहा है, म्यांमार की तरह, भारत की तरह, पाकिस्तान की तरह, सभी अपने दिफा को मजबूत बनाते हैं। अगर बांग्लादेश बना रहा है तो क्यों कांपें टांग रही हैं? अब ये पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि चाइना के साथ बांग्लादेश की दोस्ती क्यों हुई है, चाइना बांग्लादेश की मदद क्यों कर रहा है, चाइना बांग्लादेश के अंदर कोई बेस क्यों बना रहा है। अब ये प्रोपेगेंडा हमेशा चलता ही रहता है, और भारतीय हुकूमत हो या भारतीय मीडिया हो, ये प्रोपेगेंडा हमेशा बांग्लादेश के अगेंस्ट करती रहती है। आप इस वीडियो के हवाले से क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।